हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों, आज भी हम लोग बाल विकास के चैप्टर 1 का और उसके क्वेश्चन का जो है वो डिटेल डिस्कशन करेंगे, एकदम जहन में उतार देंगे। जैसा कि आप इस चैनल से परिचित हैं, उसी तरह से उसी वे में एकदम बेहतरीन, बोले ना जहन में उतार देने वाले पढ़ाई वो देंगे। बस आप बने रहें और वीडियो के आखिरी तक दोस्त बने रहें, आखिरी तक बने रहें। और अगर दोस्त आप चैनल पर पहली बार हैं तो पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। देख रहे दोस्त, रेगुलर आपके सामने अभी ढाई महीना से इस चैनल पर आ रहे हैं आपको सिखाने के लिए, बेहतर सिखाने के लिए और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। और मेरी आवाज़ की क्या स्थिति है वो भी आप समझ रहे होंगे, हालांकि आदत है गुनगुनाते हुए एंट्री मारने की, लेकिन आवाज़ ऐसी हो चुकी है कि आप गुनगुना भी नहीं पा रहे हैं। तो अपना क्लास ऑफलाइन चल रहा है, उसमें जानबे करते हैं कि ऑफलाइन में कितना मेहनत करना पड़ता है और तब जा करके रिजल्ट आता है, और रिजल्ट लेते हैं। पिछले बार भी लिए थे 94% और इस बार भी वही प्रयास कर रहे हैं, एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा एक सूचना है दोस्त, अगर आपको डीपली चाहिए, हर कुछ चाहिए, सबसे बेस्टम बेस्ट चाहिए, और एक ही बार में 2022 में शिक्षक बनने की तमन्ना रखते हैं, तो उन तमन्ना को, उन चाहत को पूरा रखने की क्षमता सार्थक सीटेड क्लासेस दरभंगा रखती है। तो अपना ऑफलाइन बैच चल रहा है और यहाँ दो ही बैच चलती है दोस्त, 4-5-6 बैच नहीं, क्योंकि समय ज़्यादा देते हैं बैच पर। रीज़न ये है, एक बैच पर समझ रहे 5-5 घंटा लमसम समय देते हैं, 2.5 घंटे की क्लास और 2 से 2.5 घंटा डॉट के लिए। और लोग पूछते हैं, हमेशा डॉट पूछते रहते हैं, रिजल्ट बेहतरी लाने के लिए करना पड़ता है। तो अपनी जो क्लास है, एक क्लास सुबह में 7:30 से 10 बजे तक है और दूसरी जो क्लास है वो शाम में, जो पहले 3:30 बजे से हुआ करती थी, वो अब 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक है। जहन में उतार देने वाली पढ़ाई, सिंगल अटेम्प्ट, बोले ना क्वालिटी भर देंगे, क्वालिटी वो देते हैं। और तब बोलते हैं दोस्त, इस खुले मन से तब बोलते हैं, यूं ही नहीं बोलते हैं दोस्त, यूं ही नहीं। क्लासेस चल रही है, आइए बेहतरीन अधिगम करना हो तो अवश्य जुड़े सार्थक सीटेट क्लासेज दरभंगा से। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं डिस्कशन और बेहतरीन, समझ में, यूनिक वे में वो वाला। आइए जुड़िए, अब भागिए नहीं, जय हिंद और जय भारत तक रुके रहिए, सब सिखा देंगे दोस्त, सब सिखा देंगे। इधर देखिए, इधर इधर, ए ए देखिए देखिए, मुकेश को देखिए, इधर देखिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए, वह अवधि जो व्यस्कता के संक्रमण काल की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? और ऑप्शन में दिया है किशोरावस्था, अगला है मध्य बाल्यावस्था, अगला है पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले ये समझ लीजिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्ट वाला। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो वही आंसर होगा, सिंगल वही, जहाँ मिले टिक लगा दें। एक और तरह का क्वेश्चन होता है जिसको बोलते हैं चिंतन लेवल, थिंकिंग लेवल, जो इस बार सीटेट में रहने वाला है। हालांकि कुछ क्वेश्चन पहले भी रहते थे, लेकिन अब चिंतन लेवल के क्वेश्चन क्या होंगे, थोड़ा अधिक रहेंगे और लेवल वाला क्वेश्चन रहेंगे। तो लेवल वाला क्वेश्चन को पढ़ने के लिए पहला क्या है, कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर होना चाहिए और उस कॉन्सेप्ट पर आपको चिंतन करना आना चाहिए, थिंकिंग करना आना चाहिए और उस चिंतन में तर्क भी लगाने आना चाहिए। ये तब होगा जब थॉट अच्छा रहेगा, और थॉट अच्छा तब होगा जब बेहतरीन अधिगम होगा। अब बेहतरीन अधिगम कब होता है, किसी के मार्गदर्शक में होता है। तो अगर आपके कोई मार्गदर्शक नहीं है, बेहतर अधिगम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये काबिलियत सार्थक सीटेट क्लासेस रखती है आपको 2021 का एग्ज़ाम जो 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक, जो 2022 तक चलने वाली है, उसमें बेहतर सफलता हासिल कीजिएगा दोस्त। ये काबिलियत रखते हैं और तब बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले देखिए, अवधि, अवधि समझिए क्या होता है दोस्त। अवधि का मतलब होता है काल, समय, अरे कितने दिनों तक, कब तक, मतलब समय से रिलेटेड है। और क्या बोलती है, व्यस्कता के संक्रमण की पहल करती है।
तो व्यस्कता के संक्रमण की पहल करने का क्या मतलब है? रुकिए, वो बताते, सब बताते हैं, कुछ छुपाते हैं। व्यस्कता के संक्रमण का पहल करना, पहले समझिए, जैसे आदमी व्यस्क होता है, समझ में आ रहा है, उसमें संक्रमण दे दिया है, तो संक्रमण मतलब होता है लांघना, क्रॉस करना। तो समझिए, जैसे आदमी जवान होता है और मुकेशवा किशोरावस्था में मोछे निकलने लगता है ना, 17-18 साल का होता है तो बहुत ही मन भटकने लगता है, तलाश करता है, परियों की तलाश में चलता है, बहकने की अवस्था बोलते हैं, नशा अपराध की अवस्था बोला जाता है किशोरावस्था की। लेकिन बात हो रही है कि व्यस्तता के संक्रमण की पहल करती है, मतलब व्यस्का अवस्था, समझ रहे हैं, एडल्ट की बात हो रही है, 18 प्लस की बात हो रही है, वो गुण आ जाना, वो उसका पहल करना, उसके जैसा करना, ये आ रहा है मुकेशवा में, समझ में आ रहा है। मतलब मर्यादा को लांग सकता है, अगर संगति खराब हुआ तो यहाँ पे बोलता है पहल करती है, हाँ इस तरह का फीलिंग आता है, अपोजिट फीलिंग आता है, लड़का का लड़की के प्रति, लड़की की लड़की का जो है लड़के के प्रति फीलिंग आता है। फीलिंग आना स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल है, और ये आना भी चाहिए, और नहीं आ रहा है तो डॉक्टर से जा करके मिलिए, ये आना चाहिए, समझ में आ रहा है। लेकिन मर्यादा को लांघना नहीं चाहिए, लिमिटेशन में रहना चाहिए, बाबूजी का नाक नहीं कटाना चाहिए, समाज का इज्जत प्रतिष्ठा भी बचाना चाहिए। तो ये फीलिंग आना शुरू होता है, मतलब व्यस्का अवस्था वाला जो है ना, वो वाला पोट, वही वाला जो आप समझ रहे हैं, वही वाला का अनुगमन करती है, पालन करती है, किशोर भी करता है, समझ में आ रहा है ना। तो वही बोल रहा है कि व्यस्कता के संक्रमण काल की पहल करता है, वो कौन सा उम्र है? तो भैया वो कौन सा उम्र है जो मन बहकने लगता है, इधर से उधर भागने लगता है? तब ने बोलते हैं कि मन के पंछी पे ना कोनो पहरा चले, उड़ के जाई जहाँ इके अच्छा लगे। तो उड़ के जाई जहाँ इके अच्छा लगे, मतलब वह किशोरावस्था। अरे दोस्त, 12 से 18 वर्ष की अवस्था, मन पे कंट्रोल नहीं रहता है, और वहाँ जो कंट्रोल रख दिया तो वो इतिहास बदल देता है, एक नया इतिहास लिखता है। तो वो इतिहास लिखने की काल की बात हो रही है, समझ में आ रहा है। तो वो जो अवस्था होती है दोस्त, वो किशोरावस्था होती है, 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है, जो व्यस्कता के संक्रमण की पहल करती है। व्यस्कता में जो फीलिंग आता है, जो मर्यादा रहता है, वो सीमा रहता है, उसको लांघने का प्रयास किशोरावस्था में ही बच्चा करता है। अगर तांत्रिक दोस्त मिल गए जो गलत गलत वाला भूत चढ़ा देगा, पर्यावरण खराब कर देगा, ऐसी संगति रहेगी तब। तो ये फीलिंग कब आता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो दोस्त, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, और आपको मैंने पढ़ाया है इसी चैनल पर। अगर आपको यकीन ना हो तो प्लेलिस्ट में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्लेलिस्ट है, उसमें सारा पढ़ाया गया है। चैप्टर 1 तो पूरा पढ़ाएं, day 1 to day 19, पहला डे से 19 डे तक पहला चैप्टर खत्म किया गया है, और अभी डिस्कशन चल रहा है क्वेश्चन पे। तो वो होता है कौन सा? किशोरावस्था दोस्त, किशोरावस्था। 12 वर्ष से 18 वर्ष का जब मुकेशवा होता है, तब मुकेशवा में जो फीलिंग आता है वो व्यस्कता वाला आता है, और उनके संक्रमण का पहल करता है, अनुकरण करता है। और संक्रमण होता है लांघना, तो कौन चीज का लांघेगा भैया? गलत चीज करेगा, वो कर बैठा तो मतलब वह मर्यादा को लांघना, तार तार कर देना, तो ऐसा फीलिंग आता है। तो इस उम्र में एक मम्मी पापा को दोस्त की तरह बिहेव करना चाहिए, अपने बच्चों पर पैनी निगाह देना चाहिए, उसके दोस्तों का भी ख्याल रखना चाहिए। ख्याल मतलब समझिए दोस्त कौन सा है, तांत्रिक दोस्त, खराब दोस्त मिला तो बर्बाद हो जाएगा, तो समझ में आ रहा है। तो दोस्तों का भी कौन किससे मिल रहा है, कब आया है, संपूर्ण चीज़ की जानकारी एक अभिभावक को, मम्मी पापा को और शिक्षक को भी रखना चाहिए। नहीं तो यह उम्र ऐसा उम्र है दोस्त कि समझ में आ रहा है, एक बार गलत राह पकड़ लिया तो लौट कर आना बहुत मुश्किल होता है। अतः इसका डायरेक्ट आंसर किशोरावस्था होगा दोस्त, किशोरावस्था होगा, क्योंकि ये गुण किशोरावस्था में पाया जाता है, जो कि ऑलरेडी पढ़ा भी चुके हैं दोस्त। तो बताइए क्या आंसर होगा, किशोरावस्था। अरे मध्य बाल अवस्था, तो भी मुकेशवा बउआ है, अरे नूनू है वो, अभी थोड़ी ना होगा, ये वाला फीलिंग आएगा? नहीं आएगा दोस्त, नहीं आएगा। वो समझ रहा है, वो वाला नहीं, व्यस्तता वाला नहीं ना आएगा, मैच्योर नहीं, समझ, नहीं होगा, नहीं होगा दोस्त, नहीं होगा।
पूर्व क्रियात्मक क्रिया भी नहीं कर रहा है, अब पूर्व क्रियात्मक जो दिया ने ये पियाजे से ऑप्शन रिलेटेड दे दिया है, समझ में आ रहा ना। 2 से 7 वर्ष की बात हो रही है, होगा नहीं होगा, क्योंकि इस समय बच्चा में विचारों से नहीं पलट पाता है, समझ, झूठो नहीं बोल पाता है, जज की तरह व्यवहार करता है, सर्वव्यापी न्याय करता है, तो कभी नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर दोस्त, कभी नहीं होगा। चौथा, बाल्यावस्था की समाप्ति, थोड़ा सा रुकिए, बाल्यावस्था की समाप्ति, बाल्यावस्था होता कब से है दोस्त, 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक, तो 2 से 6 वाला को बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बचपन का काल, और 6 से 12 को बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर पोस्ट चाइल्डहुड, 2 से 6 वाला को प्री चाइल्डहुड, समझ रहे हैं। तो बाल्यावस्था की समाप्ति बोले तो मतलब 12 वर्ष कंप्लीट, तो आपके मन मारा कि 12 समाप्ति बोल दिया है तो 12 वर्ष कंप्लीट हो गया, 13वें वर्ष में एंट्री किया, तो क्यों नहीं होगा, तो सुनिए क्यों नहीं होगा। जब किशोरावस्था ऑलरेडी दे चुका है, और किशोरावस्था का मतलब होता समझिए 12 वर्ष पूरा होने के बाद 13वें में जब एंट्री करता है वहाँ से किशोरावस्था शुरू होती है, इसीलिए बोलते हैं 12 से 18, मतलब 12 वर्ष पूरा हो चुका है, 12 वर्ष की पूर्णता समाप्ति पर 12 वर्ष का 365 दिन जब हो जाएगा, 13वें साल का पहला दिन जब आएगा तब उसको बोलते हैं किशोरावस्था। तो किशोरावस्था तो 18 वर्षों तक है, ये स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में फीलिंग आना, संक्रमण व्यस्तता के संक्रमण का पहल करना, क्या हर बच्चों में होगा, नहीं होगा हर बच्चों में, सही आंसर नहीं होगा, इसीलिए यह आंसर कमजोर पड़ गया और मास्टर आंसर दिया हुआ है दोस्त किशोरावस्था। तो किशोरावस्था को चुनेंगे न कि बाल्यावस्था की समाप्ति को चुनेंगे, तो अब समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया, तो चलते हैं दोस्त, अगर आपको समझ में आ गया दोस्त तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अब ऐसे ही सिखाएंगे, जहन में उतार देंगे दोस्त, जहन में उतार देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, ऑप्शन 4 दिया हुआ है, तो सुनिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा उचित है, सही है, समझ में आ रहा है, सही चीज को जानना है, इसका मतलब ये हुआ कि जो गलत है उससे पहले खोजिए और उसको बाहर कीजिए, और जो सही बच जाएगा वही इस केस के लिए क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि विकास के बारे में हमें समझना पड़ेगा। जब तक इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का कहना ये है कि भैया जब तक तुम विकास के बारे में नहीं जानोगे ना, डेवलपमेंट क्या होता है ये चीज़ की जानकारी अगर नहीं रहेगी तो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा क्वेश्चन, सही बात बता रहा है, यही बोल रहा है। इसका मतलब क्या, डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं, तो डेवलपमेंट के बारे में तो बहुत जानते हैं, और डेवलपमेंट एक प्रोसेस है और न कि रिजल्ट, विकास एक प्रक्रिया है न कि परिणाम, समझ आ रहा है, परिणाम नहीं है, हमेशा जिंदगी भर चलते रहता है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति का विकास परिपूर्ण हो जाता है दोस्त, कभी परिपूर्ण नहीं होता है, कभी एक जिंदगी क्या लाखों जिंदगी लेगा ना फिर भी विकास परिपूर्ण नहीं होगा, चलते रहेगा, हर दिन सीखते हैं, हर दिन अधिगम करते हैं, जब जब अधिगम करेंगे तब तब डेवलपमेंट होता रहेगा। तो ये दुआ लर्निंग के क्षेत्र में तो बहुत तरह का विकास होता है, बहुत तरह का बोले तो बहुत तरह का, आप पढ़ाए हैं दोस्त इसी चैनल पर, आप देख सकते हैं वीडियो आज भी अवेलेबल है। तो ये वही बात कर रहा है कि विकास के बारे में अगर आप जान रहे हैं तो कौन सा दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग उचित है, और उचित को चुनना है अर्थात सही को चुनना है, करेक्ट को चुनना है, तो आइए पढ़ते हैं और तब चुनेंगे, कहने का मतलब समझिए, जो सही है उसे चुनेंगे, अर्थात कंसेप्ट की बात हो रही है, कंसेप्ट की बात हो रही है, और कंसेप्ट पे चिंतन भी, वो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, लेकिन कंसेप्ट यहाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है। तो आइए एक एक ऑप्शन के बारे में जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल के बारे में कि अलग अलग, समझ में आ रहा है, एक एक पहले क्वेश्चन क्या है वो बताते हैं, 4 ऑप्शन के बारे में बताते हैं कि 3 गलत क्यों है और 4 सही क्यों है, समझ में आता, सब देखते हैं, आइए देखिए। तो विकास
के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा उचित है। क्वेश्चन समझ में आ गया, पॉजिटिव क्वेश्चन है, नहीं तो नहीं लगा हुआ है, पॉजिटिव है तो आंसर क्या होगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर होगा सुपर से भी ऊपर पॉजिटिव, सुपर से भी ऊपर पॉजिटिव। तो चलिए अब नेगेटिव खोजा जाए। पहला ऑप्शन है कि विकास एकल आयामी होता है, एकल आयामी। तो पहले एकल आयामी क्या होता है जानेंगे तब ना, अगर एकल आयामी नहीं जानेंगे तो सोच पाएंगे नहीं, चिंतन कर पाएंगे नहीं, सोच पाएंगे दोस्त नहीं सोच पाएंगे। तो पहले समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि एकल आयामी क्या होता है। एकल आयामी इंग्लिश में बोलते हैं एकल आयामी को यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। ये पहला ऑप्शन का कहना है कि विकास यूनिडायरेक्शनल है, एक ही दिशा में होता है, एक तरफा होता है, जिधर होना होगा उधर होता होगा। तो बताओ दोस्त, मान लेते हैं एगो दिशा को पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं कि मुकेशवा पढ़ाई में बहुत तेज है, पढ़ाई में उसका डेवलपमेंट हो रहा है। अगर मुकेशवा पढ़ाई में बहुत तेज है तो क्या अन्य विकास कान में, समझ रहे हैं, कान में नारियल तेल डाल के सो जाएगा क्या? ए नारियल तेल डाल लेगा विकास सो जाएगा? नहीं ना। जब मुकेशवा पढ़ने में बहुत तेज है तो ऐसा भी हो सकता है सामाजिक गुण भी उसमें अच्छा होगा, सब समझ में आ रहा, सही उम्र में सही हाइट हुआ रहेगा, उसकी भाषा अच्छी हो सकती है, समझ, क्रियात्मक विकास अच्छा करेगा, नैतिक सोच होगी उसकी, अर्थात नैतिक विकास अच्छा होगा। तो समझ में आ रहा, भाषाई विकास होगा, बहुत तरह का विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास हुआ रहेगा, बहुत तरह का विकास होता है। ये बोलता है ना, एके गो एक तरफा विकास होगा, यूनिडायरेक्शनल विकास होगा। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है दोस्त, पहला स्टेटमेंट है वो निहायत गलत है, गलत है। अतः इसे ऑप्शन से पहले बाहर करें दोस्त, ऑप्शन से बाहर करें। विकास में ऐसी कोई बात नहीं होती है, विकास एकल आयामी नहीं होता है। तो बोलेंगे कैसा होता है? तो विकास बहुआयामी होता है दोस्त, बहुआयामी। अब बहुआयामी को अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, विभिन्न दिशाओं में एक ही साथ होते रहता है, एक ही साथ, क्या बोले दोस्त, एक ही साथ होते रहता है, एक ही समय पर अलग अलग विकास होगा। जैसे समझिए एग्जांपल से, मुकेशवा है अपन, जो मुकेशवा है वो मुकेशवा, जो मुकेशवा मान के चलो 10 साल का है, 12 साल का, कोई भी एज में चलेगा, किसी भी एज के लिए सही है, 10-12 साल का मुकेशवा है, समझ में आ रहा है। तो क्या लग रहा है मुकेशवा का 13-14 साल किशोरावस्था में थोड़ा ज्यादा मजा आएगा समझने में, तो क्या समाज में योगदान नहीं होगा, तो सामाजिक गुण इसमें नहीं आएगा, किसके साथ किस तरह से बात करना चाहिए क्या वो नहीं सीखेगा, दिमाग नहीं लगाएगा कि हमें क्या करना है, लाइफ को कहाँ लेके जाना है, बेहतर कैसे करे, क्या करे जिससे मेरा भी अच्छा होगा, समाज की भी भलाई होगी, इस तरह का मुकेशवा सोच सकता है। सही क्या है, गलत क्या है, ये करे वो ना करे, तो सही गलत मतलब नैतिक मूल्य का भी ज्ञान उसमें होगा, समझ में आ रहा, चलना फिरना भी आएगा, दौड़ना भी आएगा, गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट भी होगा, शारीरिक क्षमता रहेगा, युवा अवस्था में दौड़ भी रहता है, उसको बोलेंगे नेपाल चले जाओ ना साइकिल से तो नेपालो चला जाएगा। ये होती है युवा अवस्था नहीं किशोरावस्था, ये प्रॉपर्टी पाया जाता है किशोरावस्था में। तो क्या किशोरावस्था में विकास नहीं होता है? सभी तरह का विकास है, होते रहता है दोस्त, होते रहता है। तो इतना काफ़ी है एक ऑप्शन के लिए, समझ में आ रहा। वैसे घुसेंगे ना तो फिर घुसते रह जाएंगे, बाहर निकलेंगे कब निकलेंगे पते नहीं चलेगा। तो समझ में आ रहा है, अतः एकल आयामी शब्द तो याद रखिए, किसी भी ऑप्शन में, पूरे सीटेट के किसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो कोई पेपर हो, पेपर वन का सभी पेपर क्यों न हो, पेपर टू का सभी सब्जेक्ट क्यों न हो, कहीं पर भी किसी भी ऑप्शन में एकल आयामी दिखे, समझ में, यूनिडायरेक्शनल दिखे, बाहर कर दें, यू यू आउट आउट आउट, बोले भाग यहाँ से भाग, तुम हो नहीं सकते हो, वो नहीं होगा, किसी भी ऑप्शन के लिए नहीं होगा। किसी मतलब पॉजिटिव क्वेश्चन रहे तब, अगर क्वेश्चन है निगेटिव रहता तो ये सही बात होता, तो हम पॉजिटिव की बात करते हैं, समझ में आ रहा है, तो नहीं होगा, इसको बाहर कर दे। अतः पहला आंसर नहीं होगा दोस्त, नहीं होगा। इधर देखिए दूसरा, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। तो सुनिए, विकास बोल रहा है कि जन्म लेता है, जन्म नहीं, क्या है, जन्म के साथ,
जन्म के साथ प्रारंभ होता है, ख़त्म हो जाता है। मतलब हुआ कि विकास जन्म से शुरू होता है और फिर ख़त्म हो जाता है। ये सही लग रहा है, इस शुरू से लेकर के आखिरी तक जो लाइन लिखा है दूसरा ऑप्शन, वो निहायत गलत है, सरासर गलत है, ये अन्याय है, ये जुल्म है एक विकास के खिलाफ दोस्त, एक जुल्म है। समझ में आ रहा है? इन्हें तो धरना देने जाएंगे, धरना नहीं देंगे, बाहर कर देंगे। सुनिए, विकास जन्म के साथ प्रारंभ नहीं होता है दोस्त, जन्म के साथ प्रारंभ नहीं होता है। विकास माँ के गर्भावस्था से ही शुरू होता है दोस्त, माँ के गर्भ में, समझ में आ रहा है ना, माँ का अंडाणु और पिता के शुक्राणु के फर्टिलाइजेशन से एक जीव का निर्माण जब शुरू होता है तो विकास का एंट्री वहीं से शुरू होता है। मतलब जीव का आना, विकास का आना और वृद्धि का आना भी वहीं से शुरू होता है दोस्त। अतः वृद्धि और विकास दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, माँ के गर्भ से ही होता है दोस्त, यूटरस से ही होता है, माँ के गर्भाशय से होता है। समझ में आ रहा है? और ये बोला जन्म लेने के बाद, तो 9 महीना के बाद बच्चा जन्म लेता है, 9 महीना के बाद मतलब नहीं तो 18 महीना, अरे 9 महीना 14 दिन 15 दिन मैक्सिमम, तो 9 महीना 2-4 दिन में बच्चा जन्म ले लेता है। और राउंड फिगर में हम लोग 9 महीना बोलते हैं, तो 9 महीना के बाद जब बच्चा जन्म लेगा तब विकास होगा, नहीं जब माँ के गर्भ में था, इसे प्रसव पूर्व की अवस्था बोलते हैं दोस्त, वहीं से विकास का प्रारंभ शुरू हो जाता है, वृद्धि भी वहीं से शुरू होती है। अतः ऑप्शन नंबर दूसरा निहायत गलत है और इसे बाहर कर दें। तो चलिए, दूसरे नंबर को मैंने क्रॉस कर दिया कि नहीं होगा, पढ़ते हैं अब तीसरा क्वेश्चन और समझते हैं। सुनिए सुनिए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, मतलब रोल अदा करता है, कौन? तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ या पृष्ठभूमि भी लिखा रह सकता था, बैकग्राउंड भी लिखा रह सकता है। समझ में आ रहा है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ ये जो है ना विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक रोल होता है, मतलब ये बहुत जरूरी है, ये बोल रहा है ऑप्शन नंबर 3। तो आप सुनिए, बताते हैं, पहले तो ये देखेंगे कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, और सही बोल रहा है तो क्यों सही है, और गलत बोल रहा है तो क्यों गलत है। ये न होता है पढ़ने का मतलब, अरे ये न होता है 30 में 30 बाल विकास में लाने का मतलब, कितना रटिएगा, रटन प्रणाली वाला गया जमाना। इसीलिए बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी आपका लो है, अभी भी कोई शंका हो रहा है और आज भी आपकी तैयारी अच्छे से नहीं है, तो आइए हमारे ऑफलाइन बैच में माज के रख देंगे दोस्त, और जहन में उतार देंगे। उतारते हैं तब इस खुले मन से बोलते हैं दोस्त, उतारते हैं, उतार दिए इस तरह से, समझ में आ ना, मेहनत करते। ये जो आवाज़ फंसा हुआ है ना, अभी तो शुरू हुआ है, फॉर्म भरना शुरू हुआ है, ये स्थिति है, ये स्थिति इसलिए है क्योंकि समझ में आ ना, मेहनत करते हैं दोस्त और मेहनत करवाते हैं। और ये आइए ऑफलाइन बैच में तब दिखा देंगे दोस्त, तब दिखा देंगे क्या मेहनत करते हैं, कहाँ से। समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग में स्टूडेंट अगर मेरे क्लास में 1 सप्ताह पढ़ लेता है ना, सिर्फ 1 सप्ताह, तो 1 सप्ताह में वो इतना बोल देता है कि सर अब ऐसा लग रहा है ना कि सीटेट निकल जाएगा। और देखिए, चलते फिरते हमारे क्लास में 90 और 100 के बीच में रिजल्ट केवल क्लास आने से होगा, चाहे आप घर पर पढ़िए या न पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ से 90 और 100 के बीच में रिजल्ट लाना। हम बात हमेशा करते रहते हैं पहले ज्ञान की, सीखिए सीखिए। सीटेट पास होने की बात हम 10-12 दिन पहले करते हैं, जब केवल एग्जाम में 10-12 दिन बचा रहता है तब सेंटर केवल पास पे ज़्यादा फोकस करते हैं, स्कोर पे तब ध्यान देते हैं। अभी बात करते हैं कितना आप सीख पाइएगा, कितना बेहतर कर पाइएगा, ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाइएगा, इस बाल विकास का यूज कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में कीजिएगा। अगर ये थिंकिंग अगर आप उतार देंगे ना, तो 130 नंबर आएगा ना, 135 नंबर आएगा ना, तो अफसोस ये होगा कि काश और होता, संतुष्टि नहीं मिलेगा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तैयारी ऐसी करिए दोस्त, तैयारी ऐसे। तो आइए सुबह 7:30 से 10 बजे तक पहली क्लास दनादन जबरदस्त और बेहतरीन चलती है, और शाम की क्लास 3 बजे से 5:30 बजे तक, और बाकी 2-2.5 घंटा प्रत्येक क्लास के लिए डॉट के लिए बैठे रहते दोस्त, आपके डॉट के लिए। और करते हैं तब बोलते हैं। तो आइए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सामाजिक सांस्कृतिक। तो पहले समझिए कि सामाजिक और सांस्कृतिक है क्या, अगर ये दो चीज़ जान लेंगे तभी ना बोलेंगे कि निर्वाह करता है, रोल अदा करता है, जरूरी है विकास के लिए। तो पहले समझिए, सामाजिक मतलब समाज, सोशल, सांस्कृतिक मतलब संस्कृति, कल्चर मतलब सोशल एंड कल्चर,
इसकी बात हो रही है। तो पहले समझिए, क्या समाज हमारे विकास के लिए, अरे मुकसवा के विकास के लिए, हम सभी के विकास के लिए जरूरी है, मायने रखता है? तो आंसर क्या होगा दोस्त? हाँ। अरे हाँ ही नहीं, बरका वाला हाँ, बरका वाला हाँ। बिना समाज का, और वैगोत्स्की का कहना क्या है, लेब वैगोत्स्की का कहना है कि बिना समाज का एक बच्चे का विकास नहीं हो सकता है। अरे नहीं हो सकता है, समाज के बाहर अगर बच्चों को कर दे, बच्चे को अगर समाज के बाहर कर दें और तब डेवलपमेंट की बात करें तो नहीं होगा, नहीं होगा। और ये बातें एकदम 100% सही है, 100% सही है, क्योंकि हम जो कुछ भी सीखते हैं, अब स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, घर परिवार से, अपने समाज से, तो समाज हमें सिखाता है, समाज हमें में सामाजिकता का गुण भरता है, कहने का मतलब सामाजिकरण का गुण आता है, सही गलत की पहचान कराता है। दोस्त समझ में आ रहा है, नैतिक मूल्यों की बात होती है, इंसानियत की बात होती है, व्यवहारिकता की बात होती है, सहयोग की बात होती है, समस्या समाधान की बात होती है, और सभी बातें, ये सब जितनी बातें हम समाज के द्वारा सीखते हैं, घर परिवार के द्वारा सीखते हैं। घर परिवार क्या है? समाज का हिस्सा नहीं है तो किसी, समझ में आ रहा है, अगर ऑप्शन में समाज है तो समाज को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि घर क्या है, समाज का एक हिस्सा है, और सिटेट हमेशा मास्टर आंसर खोजता है, न कि मास्टर का पीस, स्लेव, स्लेव नहीं खोजता है, मास्टर खोजता है। समझ में आ रहा है? तो अब तो बताइए, तो समाज जरूरी है ना, एकदम जरूरी है, इसका मतलब एकदम ये बात सही है, समाज सही है। अब बात करते हैं सांस्कृतिक, संस्कृति की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, परंपरा की बात करते हैं, कन्वेंशनल की बात करते हैं। तो सुनिए, अरे दोस्त सुनिए, परंपरा, जैसे कल्चर की बात करते हैं, रहन सहन, खान पान, ये सब कौन देता है? तो भैया हमारी संस्कृति देती है, हमारी संस्कृति देती है, हमारी कला मुझे देती, हम लोगों को देती है, अर्थात संस्कृति विकास में बहुत मदद करता है। दोस्त आजकल का जानते हैं, आजकल का समाज कैसा है, हम लोग विज्ञान के तरफ दौड़ते हैं, विज्ञान में तो चंद्रमा पे, चंदा मामा पे चले गए हैं, तो चंदा मामा पे चले गए तो गलत चीज़ नहीं है, लेकिन चंदा मामा पे जाने के दौरान साथ साथ अपनी संस्कृति और अपनी कला, ये दोनों लेकर के जाएं तो डेवलपमेंट अच्छा होगा, एकता होगी। आज चांद पर क्या है ये सबको पता है, पड़ोस के घर में कौन आया, कौन मरा, क्या हुआ, कौन तकलीफ में है, किसको कितना दर्द है, ये नहीं पता, लेकिन चंदा मामा के बारे में पता है। ये इसलिए चंदा मामा के बारे में पता है, ये तो अच्छी बात है, ये साइंस का कमाल है, साइंस पढ़ना चाहिए, लेकिन आर्ट्स को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी कला को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कला और संस्कृति को ले करके तब साइंस की ओर बढ़ा जाए तो एक बेहतर समाज का निर्माण होगा दोस्त, एक बेहतर समाज का उज्ज्वल भविष्य होगा अपने देश का, और अपना देश सबसे नंबर वन देश है भी, और बेहतर बना सकते हैं। जैसा था एक दिन का भारत, उस जमाने का भारत जैसा था, फिर से वैसा हो जाएगा। आज क्या है, एक दूसरे से जलते हैं, काबिलियत नहीं बढ़ाते हैं, पोटेंशियल नहीं बढ़ाते हैं, जो आगे है उसको हटाते हैं, तो वो ना रहे आपको, मतलब चलेंगे नहीं लेकिन सामने वाले को चलने नहीं देंगे, तो याद रखिए। और संजय ने भी महाभारत में कहा है कि जिस दिन किसी समाज में बुजुर्गों का सम्मान होना बंद हो जाए, उनका रिस्पेक्ट करना बंद हो जाए, उसका समझना आदर करना, निरादर समझना, आदर करना अगर छोड़ देगा तो वह समाज विध्वंस हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। और आज वही बात है कि वो बुजुर्ग के पास हम नहीं बैठते हैं, क्योंकि वो अनुभवी होते हैं, उनके पास बैठना चाहिए, वो हमें संस्कृति से जोड़ते हैं, वो हमें कला से जोड़ते हैं, वो हमें सामाजिक गुण हमें डालते हैं, ये नहीं करते हैं। ये करना चाहिए, अगर ये करते हैं तो हमें विकास बेहतर होगा, खतरनाक वाला विकास होगा। अतः बोल सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक जरूरी है, अगर हम चाहते हैं विकास बेहतर हो तो, व्यवहारिकता अच्छी हो तो, इंसानियत बने रहे तो। तुम्हें पर्यावरण की मैं बात करूं तो उस वो भी इसमें आ जाएगा, संरक्षण की बात करें, कंजर्वेशन की बात करें तो वो हो आएगा। इसका मतलब ये बहुत जरूरी है, मतलब इसका रोल जरूरी है हमारे लाइफ में, इसकी भूमिका जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो अच्छा रोल अदा करेगी विकास में ना, पक्का करेगी। अतः तीसरा नंबर वाला आंसर क्या है, एकदम परफेक्ट है, 100% परफेक्ट है। चौथा पढ़ते हैं, बोले सर हो तो गया, हो कैसे गया, चौथा क्यों गलत है, पहले देखिए तो। चौथा, विकास पृथक होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है। ये क्या बोल रहा, सुनिए,
का ए ए मुकेशवा जन्म ले, रमेशवा जन्म ले, अमेरिका का कोनो कोई जन्म ले, चाइना का चूत चाहे छोटकी आँख वाला कोई जन्म ले। विकास एक क्रम से होता है, सिस्टमेटिक ढंग से होता है, एक व्यवस्था के अनुरूप होता है। आ माँ के गर्भ में मुकेशवा रहे या चाहे रमेशवा रहे या चूत चाहे चाहे चाइना वाला रहे, पहले निर्माण सरे का होगा, आखिरी में पैर का होगा। तो एक दिशा होती है, इसको बोलते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। सिर से पैर की ओर होना, चोटी से एरी की ओर होना, ये विकास की दिशा का सिद्धांत है दोस्त, विकास की दिशा का सिद्धांत है। चाहे वो चाइना का बच्चा हो, अमेरिका का बच्चा हो, भारत का बच्चा हो, चाहे पूरे इस धरती पर कहीं का बच्चा हो, एक क्रम से होता है, एक व्यवस्थित ढंग से होता है, एक तरीके से होता है, अलग ढंग से नहीं होता है। उसमें अलगे होगा, उसमें अलग, हाँ विकास की गति अलग अलग होती है, ये गति अलग अलग हो सकती है, समझ ना, लेकिन विकास का क्रम अलग नहीं होगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन है, पृथक होता है, अलग होता है, तो सेंस ये था कि एगो में पहले हाथ का निर्माण होता होगा, तो एगो में पैर का निर्माण होता होगा, एगो में पहले वो होता होगा, तो इसमें ये होता होगा, नहीं ये तरीका सबके लिए सेम रहेगा। हाँ गति अलग अलग, भिन्न भिन्न उम्र में विकास की गति अलग अलग हो सकती है दोस्त, अलग अलग हो सकती है। अतः चौथा आंसर निहायत गलत है। तो समझ में आया दोस्त, इस तरह से पढ़ा जाता है और इसी तरह से जहन में उतार देने वाले पढ़ाई अपने क्लास सार्थक सीटेट क्लास से दरभंगा जो रिजल्ट देने में इतिहास रचता है, रचे हैं, आज से नहीं पढ़ा रहे दोस्त, 17 साल का अनुभव आपसे शेयर करते हैं दोस्त, 17 साल का अनुभव शेयर करते हैं, समझ में आ रहा है ना। और मेरी पढ़ाई ऐसे ही, हर एक पेपर ऐसे पढ़ाते हैं, हर एक पेपर। तो आइए सुबह 7:30 से 10 बजे तक और शाम के 3 से 5:30 बजे तक ऑफलाइन बैच में मैं बात करता हूँ, अपने ऑफलाइन बैच की बेहतरीन। और एक ही बार में 2022 में शिक्षक बनना हो तो अवश्य ज्वाइन करें सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो दोस्त, ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी भेजें, और चैनल पर अगर पहली बार हो तो पक्का सब्सक्राइब करके जाए दोस्त, पक्का सब्सक्राइब करके जाए। और कल इसी चैनल पर पुनः मिलते हैं 7 बजे नए उमंग, नए जोश, नए खरोश के साथ इसी चैनल पर। तब तक सेफ रहें दोस्त, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।